इजाजत नहीं है। जे किसी ने संस्था ने सेवा करनी है उन्होंने सख्त हिदायत है भी उन्होंने जोड़े भी लोग लोड़ी है जिन्होंने लोड़ हैगी उन्होंने घर घर जाके राशन वंडो। इस तरह वायोलेशन करने की किसी भी इजाजत दी जाएगी। जिथे लॉकडाउन और करफ्यू के चलते लोगों घर तो बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है, भारी इकट्ठ करने तो मना किया जा रहा है, उत्थे ही करफ्यू दियां शरेआम लुधियाणा विच धज्जियां उड़ाईयां गईयां ने। जी हाँ, लुधियाणा दे विच इलाका कौंसलर और पुलिस की वड्डी लापरवाही देखने मिली। इलाका कौंसलर के पति ने कुछ समाज सेवी संस्थावां दे नाल मिल के राशन वंडन का प्रोग्राम बनाया। घर घर राशन पहुँचाने की बजाय गरीब परिवारों के मैंबरों विश्वकर्मा चौंक से बुला लिया गया। राशन मिलन की सूचना मिलते ही वड्डी गिनती च महिलावां करफ्यू की परवाह किए बिना उत्थे ही इकट्ठियां हो गईयां। दसनयोग है कि इस मौके पर पुलिसकर्मी भी उत्थे ही मौजूद सन, लेकिन किसी ने भी उन्होंने उत्थे जमा होने तो ना रोकिया। पर जिवें ही टीवी NRI के पत्रकार कुलबीर राही ने कैमरामैन जसविंदर सिंह दे नाल इस वड्डी लापरवाही की खबर करनी शुरू की तो आयोजकों समेत पुलिस प्रशासन दे विच हड़कंप मच गया। देखो लुधियाणा तो साडी है खास रिपोर्ट। सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा, मैं हाँ कुलबीर राही। तो कुछ तस्वीर तुहानू इहो जिहा दिखाने आ कि जिहड़े लोकी ने अजे भी अवेयर नहीं होए तो काफ़ी राशन लैन के चक्कर में लोग कट्ठे ने, तो तुसीं मेरे पिछे देख सकते हो किस तरह लोग एक दे नाल एक जोड़ के बैठे ने। तो यह तस्वीर जिहड़े ने बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी करने वाले, पुलिस भी इत्थे हुण कैमरा देखने बाद जिहड़ा लोगों इत्थे हटाया जा रहा है, बिल्कुल भी अवेयर नहीं दिखाई दे रही। तो यह जिहड़े तस्वीर ने यह किस तरह करोना नूं पहचान गए लोग वो बिल्कुल जो है अवेयर नहीं नज़र आ रहे। तो राशन लैन के चक्कर में इस तरह ये भीड़ लगा के इतने खड़े ने, जो कि किसी भी तरह तो चंगी तस्वीर नहीं कही जा सकती। हालांकि जो अभी कैमरा लैके निकले तो जरूर पुलिस वाले या जिहड़े इतने लगे ने सेवक वो जो इन्हों हटाते नज़र आ रहे हैं, दूर करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर जो है किधर ना किधर खौफ पैदा कर दिया ने। तस्वीर तुम देख सकते हो जो असी इस मौके पर पहुंचे तो उसके बाद जो है पुलिस मुलाजम हो या जो लोग ने जो है इन्हों लोगों दूर दूर करके बिठाए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर पहला सी वो जो है चंगिया नहीं कह जा सकती क्योंकि करोना तो लंबी लड़ाई और सब ने मिल के लड़ना है, लेकिन वो जो लड़ाई इतने लड़ते लोग नहीं नज़र आए। उन्होंने राशन की ज़्यादा अपनी चिंता सी, करोना वायरस या बीमारी की कोई चिंता नज़र नहीं आ रही उन्होंने। तो तस्वीर साफ देखते हैं हूँ जो है जरूर प्रशासन वालों जो है जो पुलिस मुलाजम ने या इलाका कौंसलर ने उन्होंने टीम वालों जो है लोगों को दूर दूर करके बिठाया जा रहा है। साढ़े नाल इलाका कौंसलर भी ने उन्होंने गल करते हैं कि जो राशन इतने वंडिया जा रहा है वह की प्रबंध किए गए। भाजी हल्का MLA सिंध सुरेंद्र डावर जी के दिशा निर्देश है जो कि पंजाब सरकार वालों राशन वंडिया जा रहा साढ़े मेरे इलाके के बहुत स्लम एरिया संतपुरा कबीर बस्ती उन्होंने 14 क्विंटल राशन सानू सरकार वालों भेजिया तो अभी 7 क्विंटल राशन अपने कोलों अपने सहयोगियों की मदद ना पा के 21 क्विंटल राशन ये जो 250 गरीब परिवार है इन्होंने वंड रहे हैं। एक इतने देखा गया कि लोग जो है बिल्कुल नाल जुड़ के बैठे ने हजार सैकड़ों की गिनती इतने असी दूर उत्थे लाइना इन्हों मार्किंग करती थी पर जोड़े बंदे बाहर आ गए पुलिस फोर्स लगी है उन्होंने दूर दूर करके करा रहेगी विदिन 10 मिनट से कम निबड़ जाएगा। जिहड़े लोग इत्थे भीड़ लगा के खड़े ने उन्हां नाल भी गलबात करते हैं कि वजह क्यों इत्थे खड़े ने, की उन्होंने क्या गया सी, कुछ गल करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी माता जी, हाँ जी, तुसीं इत्थे भीड़ लगा के क्यों खड़े सी, की गल? चलो मैं तो हुणे आई सी, चले आ हुणे आई सी। आटे नाल की बनदा भाजी, 5-5 किलो आटे नाल की बनदा गा, तेल भी होना चाहिए नाल, लून मिर्च भी होनी चाहिए, किलो चौल ने, किलो 2 किलो चौल, कल चौल भुक लूगा कोई, कम घर बंद रहा खाऊगा कितों अगला। अच्छा, तुहानू चलो राशन दिता जा रहा है लेकिन तुसी एक अवेयर क्यों नहीं हो, क्यों नहीं इस गल नूं समझदे कि जो सरकार या सेहत विभाग कहिंदा कि दूर दूर खड़े रहो, तुसी नाल नाल क्यों खड़े हो? दूर दूर तो खड़ा ही हां भरावा, वो तस्वीरां तो खड़ा ही हां। मेरी गल सुनो, मेरी 15 दिन हो गई पर्ची बन गई सीगी, तो उन्होंने सानू अज ना राती सानू टाइम दे आए सीगे। किन्ना ने टाइम दिता? किन्ना ने टाइम जेड़े साडे मोहल्ले दे प्रधान है कि अज 10-11 बजे थानू डिकू ने राशन देना, तो तुसी आ जाइयो। किथे बुलाया सी तुहानू? चौकी कोली। अच्छा जी, तो असि वीर जी हुण आए आ चौकी कोली, बस इन्नी गल हैगी साडी, और तो इस तो ज्यादा सी ना सानू उन्होंने कुछ कहा ना असि थानू कुछ कह सकदे आ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਸ਼ਨ?
ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਖ਼ਤੀ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਰਾਹੀ ਦਾ TVNRI।